विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कई विधानसभा में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। इसी के चलते भाजपा संगठन द्वारा बागली विधानसभा का चुनावी केंद्रीय कार्यालय चापड़ा में खोला गया। सोमवार के दिन बागली विधानसभा के मुख्य केंद्र चापड़ा में बागली रोड पर चुनावी केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे उपस्थित रहे। भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से कई कदम आगे चल रही है। हालांकि अभी भाजपा की ओर से बागली विधानसभा के लिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन भाजपा द्वारा कार्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस अभी तक अपना केंद्रीय कार्यालय नहीं खोल पाई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज इस केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन शुभारंभ किया है। उम्मीदवार कौन होगा, कब होगा, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पे लग चुका है और आज ये कार्यालय का शुभारंभ कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्रों से लेकर तो बूथ तक सारी तैयारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत कर जाएगी और पांचवी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।